हाय एवरीवन, हाउ यू। अपन कर रहे हैं बिजनेस लॉज, और बिजनेस लॉज में हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन, और क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन और उनके अंदर बहुत सारे ट्विस्ट। तो ट्विस्ट और टर्न्स के साथ वापस शुरू करते हैं अपना लॉ ट्विस्ट। अब आएंगे मई 19 के क्वेश्चन पर, और आज देखेंगे कि इंस्टीट्यूट ने आपको कैसे घुमा घुमा के पटक पटक के निपटाया एग्जाम में आपके पूर्वज स्टूडेंट्स, आपको नहीं। आइए साहब, सोहन लाल जी कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। व्हाट सोहन लाल वांट टू से, और क्या आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही क्वेश्चन लग रहा है ये? क्योंकि आपने नीचे देखा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखा हुआ है, तो आपने कहा बिल्कुल सही बात है। मिस्टर सोहन लाल ने 10 एकड़ की अपनी एग्रीकल्चरल लैंड को बेचने का सौदा किया टू मिस्टर मोहन लाल ऑन 25th of September 2018 फॉर ₹25 लाख। प्रॉपर्टी पेपर्स मेंशन्ड अ कंडीशन अमंगस्ट अदर डिटेल दैट हुसो एवर परचेज द लैंड इज फ्री टू यूज 9 एकर एज पर हिज चॉइस, बट रिमेनिंग 1 एकर हैज टू बी अलाउड टू यूज बाय मिस्टर छोटे लाल सन ऑफ द सेलर फॉर कैरिंग आउट फार्मिंग और अदर एक्टिविटीज ऑफ हिज चॉइस। On 12th October 2018, Mr. Sohanlal died, leaving behind his son and wife. On 15th October 2018, purchaser started construction of an auditorium on the whole 10 acres of land and denied any land to his son. Now Mr. Chotelal want to file a case against the purchase and get a suitable redress. Discuss the above in light of provisions of Indian Contract Act 1872 and decide upon Mr. Chotelal's plan of action. तो भैया छोटेलाल के प्लान ऑफ एक्शन पर आपको अब बात करनी है। यू हैव टू टॉक अबाउट छोटेलाल्स प्लान ऑफ एक्शन। तो भाई आप बताइए क्या करें, क्या माने इस, ये पहली बात। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें टॉपिक समझ में आता है क्या? आया क्या टॉपिक समझ में? आया कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था? सोहन लाल और मोहन लाल के बीच, और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिखा हुआ था कि छोटे लाल का एक कोविनेंट है। हेलो, तो हमने पढ़ा था एक प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू एंड कैन नॉट बी स्यूड अपॉन, बट देयर कैन नॉट बी अ पर्सन हु इज अ स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन। देयर कैन ऑलवेज बी अ पर्सन टू स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, बट देयर कैन नॉट बी स्ट्रेंजर टू द, मतलब सॉरी, देयर कैन नॉट बी अ पर्सन स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, बट देयर कैन बी अ पर्सन स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन। मैं उल्टा बोल गया, देयर कैन नॉट बी अ पर्सन स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, बट देयर कैन बी अ पर्सन स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। ये अपन ने पढ़ा था, और कंसिडरेशन प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन में हमने ये भी पढ़ा था, देयर आर सर्टेन एग्रीमेंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू कोविनेंट रनिंग विद द लैंड, एंड इन दैट केस बेनिफिशियरी कैन टेक एक्शन अगेंस्ट एनी कॉन्ट्रैक्ट विच आर अफेक्टिंग हिज बेनिफिट्स। यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट था उस कॉन्ट्रैक्ट में यह लिखा हुआ था कि सोहन लाल का बेटा छोटे लाल जो है 1 एकड़ पर अपनी मर्जी से खेती कर सकता है, कोई अदर एक्टिविटी चला सकता है, लेकिन सोहन लाल के मरने के बाद
वो बंदे ने छोटे लाल को एक्टिविटी करने से मना कर दिया, हालांकि छोटे लाल स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन फिर भी छोटे लाल जो है वो अपना एक्शन ले सकता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? लेकिन अगर इस क्वेश्चन को ट्विस्ट देना हो तो वो इस क्वेश्चन में डाल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि सोहन लाल के जीवन तक, टिल द लाइफ ऑफ सोहन लाल, दिस राइट इज अवेलेबल टू छोटे लाल, आफ्टर दैट नहीं लिखा हुआ था। तो वहां ध्यान रखना, अगर ये क्या कर दें आपको, लाइफ तक ही रिस्ट्रिक्ट कर दें, अगर लाइफ तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो फिर छोटे लाल एक्शन नहीं ले पाएगा सोहन लाल के मरने के बाद। तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, इंस्टीट्यूट का ये तरीका होता है कि पास्ट ईयर के एग्जामिनेशन क्वेश्चन में थोड़े से ट्विस्ट डाल देते हैं। बच्चा समझता है ये क्वेश्चन वही वाला है, लेकिन वो नहीं होता, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट होता है। तो यहाँ ट्विस्ट क्या डाला जा सकता है कि टिल द लाइफ टाइम ऑफ सोहन लाल, छोटे लाल एक एकड़ पर काम कर सकता है। हेलो, अब लाइफ खत्म हो जाने के बाद किसकी, सोहन लाल के मरने के बाद छोटे लाल के लिए कोई ऑप्शन नहीं रहे। अगला ट्विस्ट डाल सकते हैं कि सोहन लाल भी मर गया, छोटे लाल भी मर गया, छोटे लाल का जो सन है, हेलो, वो अब उस राइट को परस्यू करना चाहता है। तो यहां देखा जाएगा कि क्या एग्रीमेंट में ऐसा लिखा है कि सक्सेसर्स ऑफ सोहन लाल विल हैविंग दिस राइट। अगर वहां लिखा है कि सक्सेसर्स ऑफ सोहन लाल विल हैव 1 एकर, तो फिर तो सक्सेशन ऑफ राइट होता जाएगा, और सोहन लाल के जितने सक्सेसर हैं सब क्लेम कर सकते हैं, चाहे मालिक कोई भी हो जमीन का, कोई किसी को भी बेचे। मैंने बताया भी था आपको, कोविनेंट रनिंग विद द लैंड। हेलो, इस क्वेश्चन को लिखते समय आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। अगर उन्होंने लैंग्वेज चेंज कर दी है तो अकॉर्डिंगली आपको सूटेबल अमेंडमेंट करना पड़ेंगे, ट्विस्ट मार सकते हैं वो कहीं भी किधर भी। समझ में आ गई बात? लिखना भी है, 2 दिन की मियाद आज पूरी हो जाएगी, पुरानी इसकी 2 दिन की चालू हो जाएगी आज से, और मैं प्रोजेक्ट कॉपी मांगूंगा और पार्टनरशिप के अंदर बैठने नहीं दूंगा जब तक मेरी कॉपी नहीं आ जाएगी। मत पिटा ना, हमको तो पार्टनरशिप आती है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी नहीं बैठने दूंगा। बोलो नाउ, आप आगे, साउंड सिंडिकेट कंपनी, कंपनीज एक्ट, वेरियस टाइप्स ऑफ इंप्लाइड वारंटी। ओ हो, फिर से आ गया भाई साहब, मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड बट देर आर सम सर्कमस्टेंसेज वेयर साइलेंस इज फ्रॉड, एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेज एज पर प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मैं इतना पगला भी नहीं हूं कि एक पेपर में लिखवा लिया तो दूसरे पेपर में आपसे वापस बोलूं कि फिर लिखो। हेलो, इसको मत लिखना, ये तो अपन लिख चुके हैं, 2018 वाला कौन सा पेपर था उसमें लिखा ना अभी। हाँ बस देखा, अब अपने को ये भी याद है कौन से पेपर में कौन सा क्वेश्चन आया। देखो आप, मतलब ज्ञान तो बढ़ता है, मेहनत करो तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, सीरियसनेस भी आती है। चलिए, बकर बकर करने से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ एक फालतू का ऑरा क्रिएट हो जाता है कि अपने को सब याद है। नेक्स्ट, एलएलपी हटाओ, पार्टनरशिप हटाओ, पार्टनरशिप हटाओ, सेल्फ पोर्ट्रेट आर्टिस्ट, आ हा हा वाओ, मिस्टर रिच एस्पायर्ड टू गेट सेल्फ पोर्ट्रेट मेड बाय एन आर्टिस्ट। खत्री सर, एक दिन उनको ऐसा लगा कि
उनका राजे महाराजे के तरीका, गायकवाड़ वायकवाड़ खरार घराने जैसा उनका क्या बनना चाहिए, पोर्ट्रेट तलवार वलवार लगा के, शेरवानी पहन के, पगड़ी बांध के और सिंहासन पे बैठे हुए ऐसे, मतलब नीचे एक शेर पांव के नीचे मरा हुआ। हेलो, हो जाती कई बार इच्छा हो जाती कि ऐसा बन जाए अपना पोर्ट्रेट, तो ऐसा खत्री सर की जगह वहां पे रिच रिच एस्पायर टू गेट सेल्फ पोर्ट्रेट मेड बाय एन आर्टिस्ट। ही वेंट टू द वर्कशॉप ऑफ मिस्टर सी एन आर्टिस्ट एंड आस्क्ड वेदर ही कुड स्केच द फॉर्मर पोर्ट्रेट ऑन ऑयल पेंटिंग कैनवास। कुछ अब क्वेश्चन की लेंथ को बढ़ाने के लिए लिखे जाते हैं। अब ये ऑयल पेंटिंग कैनवास ऐसा लिखने की जरूरत है, पोर्ट्रेट ही समझ जाता आदमी नहीं, बस थोड़ी क्वेश्चन इतना बड़ा रखो कि आदमी को साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम हो, क्यों इतना बड़ा क्वेश्चन। मिस्टर सी एग्रीड टू द ऑफर एंड आस्क्ड फॉर 50,000 एज फुल एडवांस पेमेंट फॉर द अबो क्रिएटिव वर्क। 50,000 तो अच्छा फिगर भी ऐसा लगेंगे कि आदमी 2 मिनट के लिए लड़कियां सोचने लग जाएंगी कितना महंगा है। इसको कहते हैं वो दिमाग को हटाते हैं, बार बार आपके दिमाग के साथ खेलते हैं। अभी 50,000 लिखने की क्या जरूरत थी, जैसे ही 50,000 लिखा अपने दिमाग थोड़ा सा इधर उधर उड़ता है, यार इतना महंगा, चलो कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं। सो एज फुल एडवांस पेमेंट फॉर अबो क्रिएटिव वर्क, कोई एडवांस देता है क्या, ऐसी बातें मत आने दो दिमाग, है ना। जो वो बोल रहा है उसको वैसे उसको चैलेंज मत करो। कुछ लोग चैलेंज करते हैं 50,000 एडवांस वो देता है, अरे तेरी एग्जाम चल रही है बावले, तेरे को क्या करना है यार उससे, तो तेरी कौन सी पेंटिंग बन रही है यार। नेक्स्ट, मिस्टर सी क्लेरिफाइड दैट पेंटिंग शेल बी कंप्लीटेड इन 10 सिटिंग्स एंड इट शेल टेक 3 मंथ्स। 10 सिटिंग 3 महीने, बहुत लंबा काम है यार, दिमाग को शांत रखो एग्जाम में, रिएक्शन क्यों देते हो यार, उसने जो दिया है उसको पढ़ लो। नेक्स्ट, ऑन रीचिंग द वर्कशॉप फॉर 6th सिटिंग मिस्टर रिच वॉज इन्फॉर्म्ड दैट सी बिकेम पैरालाइज्ड एंड वुड नॉट बी एबल टू पेंट फॉर नियर फ्यूचर। पेंटिंग ही नहीं कर पाएगा बेचारा। मिस्टर सी हैड अ सन मिस्टर के हु वाज स्टिल परसुइंग हिज स्टडीज एंड हैड नॉट टेकन अप फादर्स प्रोफेशन येट। वो अभी भी पढ़ रहा है लेकिन उसने फादर का प्रोफेशन नहीं लिया है। डिस्कस इन द लाइट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कैन मिस्टर रिच आस्क मिस्टर के टू कंप्लीट द आर्टिस्टिक वर्क इन लियू ऑफ फादर। क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 व्हेन एवर अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परफॉर्मिंग पर्सनल स्किल, हेलो, दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड इफ देर इज एनी पर्सनल इनकेपेसिटी अचीव्ड बाय द आर्टिस्ट और द पर्सन हु इज परफॉर्मिंग दिस। और क्या लिख सकते हैं इसमें, इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्मेंस का आएगा कि नहीं आएगा, ये इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्मेंस ही है ना, ऑपरेशन ऑफ लॉ तो नहीं लग रहा है, कुछ लोग लगाने वाले थे, देखो देखो ऑपरेशन ऑफ लॉ कहां से लगेगा, डेथ थोड़ी हुई है, मरा थोड़ी आदमी, पैरालाइज हुआ, इनकैपेसिटी टू परफॉर्म, हेलो। और ये इनवाइटेड इनकैपेसिटी थी क्या, तो हो गई इनकैपेसिटी को, इनवाइटेड तो थी नहीं, कि अगले दिन डांस कंपटीशन थी और अपन जो है कुश्ती लड़ रहे थे, टांग टूट गई, हेलो, ये तो आउट ऑफ कंट्रोल है, तो द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। एंड सेकेंड थिंग, अगर स्पेशल स्किल वाला कॉन्ट्रैक्ट है तो बंदा डिस्चार्ज हो जाएगा, तो क्या उसके सक्सेसर को वो वर्क आर्टिस्टिक वर्क पूरा करना पड़ेगा। नो, पर्सनल स्किल वाले कॉन्ट्रैक्ट विल कम टू एन एंड एंड देयर इज नो सक्सेशन ऑफ लाइबिलिटी इन सच केसेस, हेलो। दूसरा, कुड मिस्टर रिच आस्क मिस्टर के फॉर रिफंड ऑफ मनी पेड इन एडवांस टू हिज फादर। यस, वेन एवर अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड बोथ द पार्टीज शुड रेस्टिट्यूट ईच अदर इन सच अ मैनर दैट बोथ द पार्टी शुड नॉट हैव एनी लॉस इन दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज को एक एक दूसरे को ऐसी स्थिति में लाना चाहिए जैसे कि कभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, हेलो। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है पैसे तो वापस करना पड़ेंगे, कोई एग्रीमेंट वॉइड थोड़ी है, वॉइड एग्रीमेंट में पैसे वापस नहीं हो पाते, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में तो होते हैं,
वॉइड एग्रीमेंट में पैसे वापस हो पाते तो मोरी बीवी रोती क्या? हेलो, आप सुनो, इस क्वेश्चन में मिस्टर रिच ओ मिस्टर सी पैरालाइज हो गए थे और बाद में बोला गया एंड वुड नॉट बी एबल टू पेंट फॉर नियर फ्यूचर। अब ये यहाँ ट्विस्ट करते हैं कि वुड नॉट बी एबल टू पेंट फॉर 2 months, देन कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ मिस्टर रिच। क्या उसको उतने दिन रुकना है? नहीं रुकना है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड करके निकल ले आगे, बिकॉज इट इज डिफिकल्टी टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। तो आप टाइम रीजनेबल टाइम से ज्यादा जा रहा है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हो? वॉइडेबल कर सकते हो और आगे जा सकते हो, वॉइड करके आप पैसे भी वापस ले सकते हो। देयर इज नो हार्म इन इट। हेलो, गुड। अगली बात कि अगर इस क्वेश्चन पैरालाइज हो जाने के बाद बंदा इंसॉल्वेंट हो जाए, कौन जिसको पैरालिसिस हुआ है वो बंदा इंसॉल्वेंट हो जाए, तो फिर आपको रिसीवर के पास जाना पड़ेगा पैसे लेने। हेलो, क्योंकि अब रिसीवर देगा पैसे। तो अब मैं नहीं समझ सकता कि इसमें वो आपको कहाँ ट्विस्ट कर सकते हैं, और जो दो जगह आपको ट्विस्ट कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया। हेलो, अब अगर ये बोल दिया जाए कि जो सन है वो भी पेंटर है, तो भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। अब आपको उसके सन से कॉन्ट्रैक्ट करना है तो फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट करके कर लो। हेलो, क्योंकि पर्सनल स्किल का कॉन्ट्रैक्ट आया, बताइए ये भी तो वेंडर हो, बट पर्सनल स्किल अलग अलग होती है, बाप बेटे की स्किल बहुत अलग अलग होती है। हेलो, बिल्कुल ध्यान रखना, ट्विस्ट मारेंगे वो, ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछने वाले नहीं है। सीए है ये, बीए नहीं है। नाउ पार्टनरशिप, वुड्सवर्थ, ओहो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, चैरिटेबल पर्पस, हा, अद्भुत। डिस्कस द इसेंशियल्स ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्या चाहिए आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस में? दो लोग, दोनों के बीच में रिलेशनशिप, नियर रिलेशनशिप नहीं, रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप भी कैसी? वेयर वन पर्सन कैन डोमिनेट द विल ऑफ अदर पर्सन। और खाली ये रिलेशनशिप से काम नहीं चलता, बाय एक्सरसाइजिंग दैट डोमिनेंस समवन गॉट कंसेंट फ्रॉम द अदर पर्सन टू गेट अनजस्ट अथॉरिटी। दो टाइप की होती है, एक ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी होती है, एक अपेरेंट अथॉरिटी होती है। ये क्या था? मास्टर सर्वेंट, फादर सन, टीचर स्टूडेंट, डिसाइपल और उसके सेंट, ये सब में क्या है? दिखता है कि यहाँ पे अथॉरिटी है, बोलेंगे तो मानेंगे ही, है ना। और कुछ चीजों में एस्टेब्लिश करना पड़ता है कि इन्होंने अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया है ना। तो आज मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि आप अथॉरिटीज वाले पॉइंट जो मेरे बुक में दिया है, हेलो, बारीक निगाह दौड़ाएं। हेलो, और उसके बाद उसको भी इस आंसर में इनकॉर्पोरेट करें। इसको कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन। अथॉरिटीज कौन कौन सी हैं और वो अथॉरिटीज में आपको डिस्क्राइब भी करना है, क्योंकि वो अथॉरिटी भी इसेंशियल में आती है। कौन सी अथॉरिटी? एक अथॉरिटी जो अपेरेंट होती है, ऑस्टेंसिबल होती है, एक अथॉरिटी जो आपको प्रूव करनी पड़ती है कि भाई
किसने अंड इन्फ्लुएंस किया है मेरे साथ। हेलो, आज आपका काम है इस फंडामेंटल को इम्प्रोवाइज करना, जैसा कल मैंने एक इम्प्रोवाइजेशन के लिए दिया था मोड ऑफ रिवोकेशन, वो अभी तक हुआ नहीं होगा क्योंकि इंडिया है, काम जो होता है वो आखिरी डेट पे ही होता है, तो जब तक कल बाहर भगाने की धमकी नहीं दी जाएगी तब तक लिखा थोड़ी जाएगा। और ये इम्प्रोवाइजेशन के पॉइंट्स के अंदर मैं आपको इम्प्रोवाइजेशन के लिए एक वीडियो भी अवेलेबल करवाऊंगा। हेलो, तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अपने को इम्प्रोवाइज कर आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट, अरे तो आंसर क्या होगा, 5 नंबर का आंसर है, ज्यादा दिमाग मत लगा भाई, आगे बढ़ जाओ। प्रोविजंस इन फेवर ऑफ योर आंसर क्या है भैया, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, बढ़िया सर। तो ये पेपर क्लियर हुआ, आओ जरा कॉन्ट्रैक्ट का एनालिसिस करें। पहला तो कंसिडरेशन से आ गया, पहला कंसिडरेशन से आ गया, दूसरा मियर साइलेंस फ्रॉड वाला आ गया, नहीं पहला कौन सा था, हाँ इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म, दूसरा जो था वो दैट वॉज फ्रॉम मियर साइलेंस टू फ्रॉड, तो दैट इज फ्रॉम फ्री कंसेंट, तो एक हुआ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉम परफॉर्मेंस, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, दूसरा हो गया कंसिडरेशन, तीसरा क्वेश्चन आया सेल्फ पोर्ट्रेट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हेलो, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में से ही दो आ गए, अरे हेलो पहला वाला कौन सा था, सॉरी पहला वाला प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था कंसिडरेशन, दूसरा वाला आपका था फ्री कंसेंट, तीसरा वाला है परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और चौथा अनड्यू इन्फ्लुएंस। फिर क्या आ गया, बस चार हुए ना, ओके सो यू हैव 4 questions, 1 फ्रॉम कंसिडरेशन, अनदर 1 फ्रॉम फ्री कंसेंट, थर्ड 1 फ्रॉम परफॉर्मेंस, फोर्थ 1 अगेन फ्रॉम फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट, फोर्थ 1 अगेन फ्रॉम फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट इस बार बाजी मार गया, 8 नंबर। इसलिए आप लोग ध्यान रखें कि कोई भी चैप्टर छोड़ दो 8 नंबर, भिखारी बना जाएगा आप, कटोरा लिया घूमोगे कि हमको नंबर दे दो कहीं से, ध्यान रखना बिल्कुल, कोई चैप्टर छोड़ना मत, कभी भी कोई भी चैप्टर बस्ट हो सकता है आपके ऊपर। नाउ ओनली 4 question, यस, यानी अब आप देखो आरओआई कितना बचा है आपके रिमेनिंग टॉपिक्स। नेक्स्ट, वाओ, 4 marks, एक्स को एक वॉलेट मिला रेस्टोरेंट में, उसने इंक्वायर किया सारे कस्टमर जो वहां प्रेजेंट थे, पर ट्रू ऑनर नहीं मिला, उसने उस पर्स को हैंडओवर कर दिया मैनेजर ऑफ द रेस्टोरेंट को कि जब तक ट्रू ऑनर ना मिले तब तक रखो। आफ्टर अ वीक He went back to the restaurant to inquire about the wallet. The manager refused to return it back to X, saying that it did not belong to him. In the light of Indian Contract Act, ये बताओ क्या X recover कर सकता है इसे management से? सोचो आप इस पे 2 मिनट विचार कर, उसके बाद बात करेंगे। ये था आपका नवंबर 19 का क्वेश्चन। दो मिनट विचार करो, मजा आएगा क्योंकि इसके अंदर चीज थोड़ी सी ट्विस्टेड है। फाइंडर ऑफ द गुड्स ने क्या किया, गुड्स को अपने पास रखने की बजाय किसी और को हैंडओवर कर दिया, और जिस किसी और को हैंडओवर किया वो आप कह रहे हैं ना भाई मैं तो आपको वापस नहीं देता, तो बताइए अब आप क्या करोगे।
टेल मी। पहली बात तो उसको देना ही नहीं चाहिए, तो क्या अपन उसको इस पे लताड़ देंगे कि तुझे देना ही नहीं चाहिए था? या पहले आप ये डिटरमाइन करोगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट था, और कॉसी कॉन्ट्रैक्ट में फाइंडर ऑफ द गुड्स जो होता है वो एक बेली की तरह होता है। हेलो, क्या बोलोगे? बेली की तरह होता है ना? और उसकी ड्यूटी क्या क्या होती है, वो तीन लिख दोगे उसकी ड्यूटियां? हेलो, उसके बाद क्या बाबूजी? यार ये तो थोड़ा सा लगाओ ना, जरा सा। मैं आपसे प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं कि एग्जाम में आप क्या करो, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन के लिए अपने दिमाग को ही फंडामेंटल को क्रिस्टलाइज करके फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचना पड़ता है। तो आप थोड़ा सा क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस लगाओ ना उसमें, आएगा आपको समझ में, मत टेंशन। बोलिए, नहीं रिकवर कर पाएंगे? कारण? एक कह रहा है कि बेली तो है ना, बेली में क्या दिक्कत? बेली ने फर्दर बेलमेंट कर दिया कि कस्टडी पे दे दिया। क्या किया? देखो, एक सबसे पहले तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स इज अ बेली, एंड इट इज बेली'ज ड्यूटी टू डू व्हाट? टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स, फाइंड आउट द ट्रू ऑनर बाय डिलीजेंस एंड रिटर्न द गुड्स टू द ट्रू ऑनर। ये तीन लाइबिलिटी अपन ने लिख दी। अब इसमें क्या किया? ही हैंडेड ओवर द सेम टू द मैनेजर ऑफ द रेस्टोरेंट टू कीप टिल द ट्रू ऑनर इज फाउंड। उसने कस्टोडियन के रूप में दिया है। हेलो, क्या आप रखो अपने पास? ट्रू ऑनर मिल जाएगा तब तक आप अपने हाथ पास रखो। कीप टिल ट्रू ऑनर इज फाउंड, जब तक ट्रू ऑनर नहीं मिल जाता दे दो। आफ्टर अ वीक ही वेंट बैक टू द रेस्टोरेंट टू इंक्वायर अबाउट द वॉलेट। उसने कहा वॉलेट का क्या हुआ? मैनेजर रिफ्यूज टू रिटर्न बैक इट सेइंग दैट इट डिड नॉट बिलोंग टू हिम। मैंने कहा तुम्हारा है ही नहीं, तुमको क्यों दू? तो एक मिनट, फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स बेली है, ओरिजिनल आंसर ये है। ओरिजिनल आंसर जो मैं दे रहा हूं ये है, सजेस्टेड आंसर आपको कुछ और मिलेगा, घबराना मत। ओरिजिनल आंसर ये है कि आप बेली हो, बेली ने कस्टोडियन की तरह गुड्स किसको दिए हैं? मैनेजर को। और मैनेजर कस्टोडियन है सिर्फ, मैनेजर इज नॉट अ बेली। मैनेजर को नहीं मिला है लॉस्ट गुड्स, लॉस्ट गुड्स किसको मिला है? तो एक्स इज अ बेली, राइट किसको दिए हैं लॉ ने? बेली को।
हेलो, और बेली को जो राइट दिए हैं, बेली अब क्या कर सकता है, उसे वापस मांग सकता है और एक्स को इसे देना पड़ेगा। एक्स कैन नॉट रिफ्यूज बिकॉज एक्स इज नॉट बेली, एक्स इज जस्ट अ कस्टोड, सॉरी दैट रेस्टोरेंट ओनर इज नॉट बेली, ही वॉज जस्ट अ कस्टोडियन। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन कस्टोडियन एंड बेली। कस्टोडियन का मतलब होता है आपने थोड़ी देर के लिए रखने के लिए दिया। हेलो, ये बारीक क्वेश्चन था जिसका आंसर ये था, ओरिजिनल एग्जामिनेशन का सजेस्टेड आंसर प्रिपेयर करता है बोर्ड ऑफ स्टडीज। एग्जामिनेशन कमेटी अलग है, बोर्ड ऑफ स्टडीज अलग है, समझ लेना इस बात को बहुत ध्यान से। और बोर्ड ऑफ स्टडीज के सजेस्टेड पे साफ लिखा होता है क्या, दीज सजेस्टेड आर नॉट बिकमिंग द बेसिस फॉर इवेल्युएशन ऑफ द पेपर इन एग्जाम, क्योंकि एग्जामिनेशन के पेपर जो होते हैं वो इवेल्युएट कौन करते हैं, एग्जामिनेशन कमेटी, बोर्ड ऑफ स्टडीज नहीं करते, ध्यान रखें। लेकिन इसका आंसर ट्विस्टेड है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बोलिए। अगर एक्स ने रेस्टोरेंट मैनेजर को बोल दिया कि सर ये मुझे गुमी हुई चीज मिली है, ये मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि मैं तो इस सिटी में रहता नहीं हूं, मैं तो चला जाऊंगा बाहर, तो अब आप ये रखो, नाउ हु विल बिकम बेली, मैनेजर, एंड देन मैनेजर विल बी बेली। अब आप वापस मांगने जाओगे तो नहीं मिलेगा। अच्छा सॉरी, फिर वापस मांगने अगर आ जाऊं मैं, तो मान लो मेरा सिटी से ट्रांसफर हो जाए और मैं बोलूं मुझे वापस दे दो, वापस भी देना पड़ेगा क्योंकि बेली हो आप भी बेली हो, आप भी बेली हो, और बेली परमानेंट पोजीशन नहीं रख सकता। ट्रू ऑनर आएगा तो इसको देना पड़ेगा, ये आएगा तो उसको देना पड़ेगा, सभी तो बेली हैं यहां पर। नो वन इज ऑनर, नो वन हैज परमानेंट पोजीशन, गॉट इट, एंड नो वन कैन डिनाई कि मैं नहीं दूंगा। एवरीवन हैज अ टेम्पररी पोजीशन हियर। अगर वो वापस आ जाता, बोले मैं सिटी से वापस आ गया अब मैं ढूंढूंगा, तो ही वॉज द ओरिजिनल फाइंडर, उसने उसको बेली बना दिया, अब वापस ले लिया, वहां बेली बना दिया था, यहाँ कस्टोडियन बनाया था। हेलो, आपके पास रखो, ट्रू ऑनर मिलेगा तो अपन दे देंगे, या आपके पास कोई मांगना है तो आप दे देना, वॉट एवर। चल दूसरा, ओपीसी सेल ऑफ गुड्स, कंसिडरेशन डिफाइन करो और लीगल रूल भी बता दो। वाओ, क्या क्वेश्चन है, सारे लिख दो प्रोविजन, पर वहां लिख के मत आ जाना रूल 1 से 8 पॉइंट मिला, 1 2 3 4 करने की जरूरत नहीं है, बुलेट पॉइंट। पहला, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, साथ में लिख देना केस का नाम, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव दास। दूसरा, कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, केस का नाम लिख देना, कौन सा, चेन्नैया वर्सेस रमैया। तीसरा केस, कंसिडरेशन मे बी पास्ट, मे बी प्रेजेंट, मे बी फ्यूचर। चौथा, कंसिडरेशन मे और मे नॉट बी एडिक्वेट। अगला, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल। अगला, कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। अगला, कंसिडरेशन मस्ट बी मोर देन व्हाट अ ड्यूटी ऑलरेडी अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म। हेलो, और छठा, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। सर उसके एक्सेप्शन भी लिखाऊं क्या, दादा सिर्फ 7 नंबर का है, 14 नंबर का होता तो अपन पूरा चैप्टर लिख देते। ओ हेलो, याद आया, थोड़ा थोड़ा, नॉट मच, थोड़ा थोड़ा तो एक्सप्लेन अपन करते ही। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर दिया, लिसन अंटिल देयर इज नो रिक्वेस्ट टू परफॉर्म फ्रॉम द प्रोमिसर, फ्रॉम कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, तो प्रोमिसर की इच्छा पे कंसिडरेशन मूव होना चाहिए। आप दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव दास का केस लिख सकते हो, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी उसमें। नाउ नेक्स्ट, गुडविल, रेफरेंस टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सोनूमल दातुमल अपन कर चुके। ओ भाई, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का क्वेश्चन था ना ये,
सोनूमल वर्सेस दातुमल मैंने करवाया था क्लास में जब मैं पढ़ा रहा था, है ना। और इसमें ट्विस्ट भी करवा दिया था कि अगर एक ही दिन के दो होते तो क्या करते, एप्रोप्रिएट करते उस दिन पे। अपन ने क्या पढ़ा था एप्रोप्रिएशन में, पहला जो पेयर है अगर उसने इंस्ट्रक्शन दी है तो उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, पेयर ने इंस्ट्रक्शन नहीं दी तो पेई जैसे अप्रोप्रिएट करना चाहे कर ले, इंक्लूडिंग टाइम बट डेट्स भी एलोकेट कर सकता है वो तो। हेलो। तीसरा, अगर पेयर और पेई दोनों ने ही क्या नहीं किया है अलोकेशन, तो मामला कोर्ट में है या किसी अथॉरिटी के पास है तो वो लगाएंगे फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और उसके बाद अगर एक ही डेट के दो पेमेंट हैं तो वो उन बिलों के प्रपोर्शन में बढ़ जाएंगे। याद आ गया? गुड, तो कर लेना। ये तो अभी तो किया था 2 दिन 4 दिन पहले दातुमल वाला। पोर्शन बताओ, बताओ पोर्शन क्या है एंड व्हाट आर इट्स इफेक्ट ऑफ पोर्शन अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो सेक्शन 19 भी लिखाओ इफेक्ट ऑफ पोर्शन। अरे हेलो, दोनों लिखना थे, 5 नंबर मिल रहे थे, कुछ बताने की जरूरत नहीं इसमें। चलिए, डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म असेसी। अब लोगों के दिमाग चलने लग गए हैं, बावा फ्री कंसेंट छोड़ के नहीं आना, हर पेपर में आ रही। हेलो, पहला क्वेश्चन था कॉसी कॉन्ट्रैक्ट छठी यूनिट, ओके। दूसरा क्वेश्चन था कंसीडरेशन, तीसरा क्वेश्चन था एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट जो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही है, चौथा क्वेश्चन था फ्री कंसेंट। हेलो, 4 क्वेश्चन गिन के पूछ रहा है वो, 22 से 24 नंबर के अंदर आपको वो दे रहा है, कभी कभी बढ़ा के 30 तक पहुंच सकता है, बाकी एवरेजली 22 से 24 नंबर। हेलो, ज्यादा कॉन्फिडेंस में आने की भी जरूरत नहीं कि हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बेहतरीन हो गया, वो बेहतरीन से 22 नंबर था। और आगे के जो हैं वो जबरदस्त, सारी ध्यान रखना, सब इक्वल वेटेज में है यहाँ पे। नवंबर 2020, ओहो, आहा, वाह वाह, बताओ। मिस्टर एक्स एक बिजनेसमैन है, उसने वो फाइट कर रहे हैं एक लॉन्ग ड्रॉन लिटिगेशन किसके साथ, वाई एक इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, टू सपोर्ट इज लीगल कैंपेन उसने एनलिस्ट की सर्विसेज ऑफ मिस्टर सी एक जुडिशियल ऑफिसर, स्टेटिंग दैट द अमाउंट ऑफ 10 लैक्स वुड बी पेड टू हिम इफ ही डज नॉट टेक अप द ब्रीफ ऑफ वाई, इज इट इंटरफियरिंग विद कोर्स ऑफ जस्टिस और इज इट स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। मिस्टर सी एग्रीज बट एट द एंड ऑफ लिटिगेशन मिस्टर एक्स रिफ्यूजेस टू पे मिस्टर सी, डिसाइड वेदर सी कैन रिकवर द अमाउंट प्रोमिस्ड बाय एक्स अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन 72। ओ भाई, लॉन्ग ड्रॉन लीगल बैटल चल रही है, अपने लीगल कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए हमने सी एक जुडिशियल ऑफिसर जो थे उनकी सर्विसेज ली और उनको कहा कि प्रभु आप उसका ब्रीफ ही मत लो, उसके स्टेटमेंट ही मत लो, ताकि उसका केस कमजोर हो जाए। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड अनलॉफुल कंसिडरेशन की सेक्शन को लिखते हुए, इंटरफेरेंस विद कोर्स ऑफ जस्टिस को लिखते हुए, हेलो, आपको पूरे आंसर को देना पड़ेगा। डोंट प्रेडिक्ट एनीथिंग, कोई भी क्वेश्चन आपका स्वागत कर सकता है, और स्वागत करने के लिए वो छठी यूनिट उठाई,
स्वागत में निपट जाए, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट उठाया स्वागत में निपट जाए, ज्वाइंट प्रॉमिस का परफॉर्मेंस उठाया स्वागत में निपट जाए आदमी। पहले क्वेश्चन देखो आप, पहले क्वेश्चन से ही वो दबाव बनाना चालू करते हैं आपके ऊपर। पहला क्वेश्चन ये दे दिया कौन सा, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड अनलॉफुल कंसिडरेशन में भी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी में घुस। फर्स्ट क्वेश्चन प्रेशर टेक्टिक्स का ही होता है, जो टॉपिक सबसे कमजोर माना जाता है और कोने में घुसा हुआ होता है उसी से वो कहते हैं। और आते ही वो क्वेश्चन बोलता है स्वागत नहीं करोगे हमारा, और आप बोलते भाई साहब सॉरी यार आपको तो छोड़ के आए थे, तो फिर वो बोलेगा भाई साहब अब आगे भी देख लो आप, आपको यहीं से निपटाएगा वो पहले ही क्वेश्चन। सो बी श्योर ऑन कि अपना पूरा किया हुआ हो। Define misrepresentation and fraud and make difference between them. सबको आता है। Free consent हर बार आ रहा है यार, बस बिना नागा आ रहा है free consent। एक भी पेपर ऐसा नहीं मिला जिसमें free consent और consideration ना मिले हो। हाँ सर ये दो एक तो बहुत ही important unit है, ऐसा मत सोचो, बाकी चीजें भी important। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तीन क्वेश्चन पूछ लिए उन्होंने, वाह 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 वाह, छह नंबर के, दो दो नंबर के तीन। लो मिस्टर एस एंड मिस्टर आर मेड अ कॉन्ट्रैक्ट वेरिन एस एग्री टू डिलीवर पेपर कप मैन्युफैक्चरिंग मशीन टू आर एंड टू रिसीव द पेमेंट ऑन डिलीवरी। ऑन डिलीवरी डेट मिस्टर आर डिडंट पे द एग्रीड प्राइस, डिसाइड वेदर मिस्टर एस बाउंड टू फुलफिल हिज प्रॉमिस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। काइको दादा पहली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की रेमेडी है, यू आर एब्सॉल्व फ्रॉम योर लाइबिलिटी। याद आया, वाई गिवन लोन 30 लाख टू जी, मिस्टर जी डिफॉल्टेड द लोन ऑन ड्यू डेट एंड डेट बिकम टाइम बार्ड। आफ्टर द टाइम बार्ड डेट मिस्टर जी एग्री टू सेटल द फुल अमाउंट टू मिस्टर वाई। हेलो प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट क्या इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, करना ही पड़ेगा। ए और बी ने एंटर किया एक कॉन्ट्रैक्ट में कि सप्लाई करेंगे यूनिक आइटम अल्टरनेट ऑफ विच इज नॉट अवेलेबल इन मार्केट। ए ने सप्लाई करने से मना कर दिया बी को, क्या डायरेक्शन दोगे उसको भाई? बी ने अगर मना कर दिया और कहीं मिल नहीं रहा है तो यू कैन गो फॉर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये तो चल ही नहीं सकता था हमारा दिमाग, पढ़ो ना। यूनिक आइटम जो मार्केट में अवेलेबल ही, तो इसमें मॉनेटरी रेमेडी से क्या होगा? हेलो मॉनेटरी रेमेडी से क्या होगा भाऊजी, इसमें क्या चाहिए भाई साहब? आप रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड कहां देख रहे हो दुर्गा मैडम? किधर देखना है रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड? किधर था रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड? कहीं भी तो नहीं था। कौन से क्वेश्चन में था? अच्छा वो वाले में सजेस्टेड देख लिया क्या? हाँ इसका आपने सजेस्टेड देख लिया होगा, समझ गया मैं बेटा, गलत है सजेस्टेड, भयंकर गलत है। इसका सजेस्टेड देख लिया उसने, नहीं 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 बेटा सजेस्टेड में था गड़बड़, कहीं ना कहीं कोई रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड नहीं। चलो 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 आगे बढ़ो, छह नंबर आ गए। नॉन ऑनर टू व्हीलर सेल ऑन रिटर्न बेसिस फैगरिंग एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, वापस आ गया दादा, दो बार आ चुका है। हाँ बेटर है टेबल बना के दो, क्या दिक्कत? ठीक है हेलो, चलो बाकी की बातें करेंगे। सौर आज कितने पेपर हो गए? तीन। इन तीन पेपर को हम कब तक लिखेंगे? मंडे तक। अच्छा ठीक है, कल के दो पेपर, कल का तो एक पेपर लिखना है ना,
दो हैं, दो गांव हैं, दो टेस्ट हैं, तो मैं क्या करूं? मेरी गलती है, बहुत टाइम है मस्ती मारने का तुम्हारे पास। यहां से जाओगे 3 बजे, उसके बाद 3 बजे तो घर पहुंच ही जाओगे, कुछ भी करके कितनी बटाईगिरी कर लो। 1:30 बजे के बाद भी अगर 3 बजे तक आदमी घर नहीं पहुंच पा रहा है तो इस कोर्स को परस्यू करने का तो कोई मीनिंग ही नहीं है।